दोस्तों आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से दबाइए। दोस्तों अगर आप भी शिमरन नेटमायर को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2019 का 54वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी की तरफ से शिमरन नेटमायर और गुरकीरत मान ने शानदार बल्लेबाजी करके ये मैच आरसीबी को आखिरकार जिता ही दिया। आपको बता दें पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवरों में कुल 175 रन बनाए, जिसके जवाब में आरसीबी की शुरुआत तो काफ़ी ख़राब रही, लेकिन फिर हेटमायर और गुरकीरत मान ने बेहतरीन पारी खेलकर पूरा मैच ही पलट दिया। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और मात्र एक रन के स्कोर पर ही पार्थे पटेल 0 रन के रूप में मेज़बान टीम बेंगलोर को पहला झटका लगा। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने पटेल को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराया। इसके कुछ ही देर बाद कप्तान विराट कोहली 16 रन बनाकर चलते बने। कोहली को खलील अहमद ने विकेट के पीछे साहा के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलोर को दूसरा झटका दिया। दोस्तों इसके बाद जल्द ही एबी डिविलियर्स भी चलते बने और आरसीबी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की स्थिति में नज़र आ रही थी, लेकिन फिर शिमरन नेटमायर और गुरकीरत मान के बीच 100 रनों से ज़्यादा की बड़ी साझेदारी हुई और आरसीबी ये मैच जीत गया। आपको बता दें एक वक्त आरसीबी के मात्र 20 रन के अंदर ही 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद गुरकीरत मान और हेटमायर ने पारी को संभाला और पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये आरसीबी का इस सीजन का आखिरी मैच था और यहीं से उनका सफर खत्म हो गया है। आपको बता दें आखिरी मैच में जीत के बाद आरसीबी के तूफानी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने एक बड़ा बयान दिया, जिसे सुनकर सभी लोग काफी भावुक हो गए। जी हाँ, दरअसल डिविलियर्स ने कहा कि मुझे खुशी है कि आखिरी मैच में जीतकर हमने अपने सीजन को खत्म किया। हालांकि मैं इस बात से दुखी भी हूँ कि मैं इस साल अपनी टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। अगर हम कुछ ऐसे मैच जीत जाते तो हम भी प्लेऑफ्स में होते, लेकिन इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है और अगले साल हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और ट्रॉफी जीत कर ही रहेंगे। इस पूरे सीजन की बात करें तो हमारी टीम ने कई बड़ी गलतियां की, जिसकी वजह से हम जीते हुए मैच भी हार गए। दोस्तों डिविलियर्स ने आगे कहा कि अब अगले साल हम आरसीबी फैंस को जरूर खुश करेंगे। मुझे आरसीबी की टीम में एक अपनापन नजर आया है और मैं इस टीम के साथ जिंदगी भर खेलते रहना चाहता हूँ। और दोस्तों अंत में एबीडी ने यह भी कहा कि जो लोग हमारी टीम को घटिया कहते हैं उन्हें भी अगले साल हम प्लेऑफ्स में पहुंच कर ये बता देंगे कि हम कितने मजबूत हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगले साल आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंच पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।